पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वांग्मय में कहा गया है, विविह गुण तवो रईय निच्चम भव इ निराश इ निज रथिये तव साधुन इ पुराण पावगम जुत्तो सया तव समाहिये। अध्यात्म की साधना में सम्यक ज्ञान का महत्व है, सम्यक दर्शन का महत्व है, सम्यक चारित्र का महत्व है, तो तप का भी महत्व है। तपस्या के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है। तपस्या के 12 प्रकार बताए गए हैं, अनशन उनोद्री आदि आदि। और वैसे शुभ योग अपने आप में तप होता है, शुभ योगस तप है, शुभ योग तप है, तपस्या है। अक्षय तृतीया का दिन एक तपस्या की संपन्नता के साथ भी जुड़ा हुआ है। कितने लोग अक्षय तृतीया के दिन अपना वर्षी तप संपन्न करते हैं, और यह वर्षी तप भगवान ऋषभ से जुड़ा हुआ है। प्रभु ऋषभ जो इस भरत क्षेत्र की इस अवसर्पिणी के आद्य तीर्थंकर हुए हैं, प्रथम जिनेन्द्र हुए हैं, जिनेश्वर हुए हैं, तीर्थ की स्थापना करने वाले हुए हैं, और हम भक्तामर का यदा कदा स्वाध्याय करते हैं। कितने लोग भक्तामर का पाठ करते होंगे, और भक्तामर एक ऐसा ग्रंथ है जो जैन एकता का मानो प्रतीक है, आधार है। यानी श्वेतांबर हो या दिगंबर, भक्तांबर को दोनों परंपराएं मान्य करती हैं। दिगंबर आमनाई के लोग भी भक्तांबर को मान्यता देते हैं, उसका स्वाध्याय भी चलता है आश्रय। और श्वेतांबर परंपरा में भी भक्तांबर का स्वाध्याय चलता है, और भक्तांबर आदिनाथ प्रभु से जुड़ा हुआ है। आदिनाथ भगवान ऋषभ की स्तुति से जुड़ा हुआ भक्तामर स्तोत्र है, संस्कृत भाषा में है, और 48 श्लोक हो, 44 हो, यह थोड़ा सा 48-44 का क्रम है, परंतु एक संस्कृत के इस स्तोत्र में भक्ति का भाव भी सन्निहित है। और भगवान ऋषभ को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, कितनी कितनी विघ्न बाधाएं कि भगवान ऋषभ के स्तवन से, पाठ से दूर होने की बात भक्तामर स्तोत्र में आती है। तो यह अक्षय तृतीया का पर्व जो जैन परंपरा में भगवान ऋषभ से जुड़ा हुआ है, और अक्षय तृतीया तिथि का भी अपना महत्व है। ऐसे भी तीज को एक वैसे शुभ दिन के रूप में माना जाता है। अन पूछा मुहूर्त भला का तेरस का तीज,
तेरस और तीज बिना पूछे ये मुहूर्त है, शुभ दिन है, इस रूप में उक्ति है। फिर यह तो अक्षय तृतीया है, तो बैसाख महीने में आने वाली यह अक्षय तृतीया और वैशाख महीना भी अपने आप में भगवान ऋषभ से तो जुड़ा हुआ है, उनकी तपस्या की संपन्नता हुई थी अक्षय तृतीया के दिन, और वैशाख महीने में भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया था। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की दसवीं आती है, जो भगवान महावीर का केवल ज्ञान प्राप्ति का दिन है। लगभग 12.5 वर्षों तक भगवान महावीर ने जो कठोर विशेष साधना की, उस साधना की मानो एक निष्पत्ति वैशाख महीने में शुक्ला दशमी को आई थी। तो यों यह वैशाख महीना और इस वैशाख महीने में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का वैशाख कृष्णा एकादशी को सरदार शहर में महाप्रयाण भी हो गया था, तो अनेक व्यक्तियों से जुड़ा हुआ यह वैशाख महीना है। महात्मा बुद्ध से भी आश्रय वैशाख महीना, वैशाख पूर्णिमा का दिन जुड़ा हुआ। तो तपस्या की जो बात है, अक्षय तृतीया का दिन वर्षी तप की संपन्नता का दिन होता है, और कई लोग तो फिर आगे अगला वर्षी तप शुरू कर देते हैं। लगातार वर्षी तप करने वाले भी अनेक लोग मिल सकेंगे, चारित्रात्माओं में भी और गृहस्थों में भी, जो लगातार अनेक वर्षी तप करने वाले। तपस्या में थोड़ा कष्ट भी पड़ सकता है, न खाना, आदमी दिन में अनेक बार भोजन करता है, ऐसी अवस्था में नहीं खाना, खाने को छोड़ देना, थोड़ी भूख लग जाए, थोड़ा कष्ट भी हो जाए तो हो जाए, पर तपस्या अपने आप में एक निर्मलता को प्रदान करने वाला तत्व है। उपवास, बेला, तेला, छोला आदि आदि तपस्याएं चतुर्मास में तो विशेषतया होती हैं। चतुर्मास के सिवाय भी कई लोग कभी कभी तपस्या कर लेते हैं, तो यह एक अनाहार की तपस्या है। अनाहार की तपस्या मान लो सबके इतना आनुकूल्य युक्त क्रम ने भी हो कि तपस्या दोरी होती है, ठीक नहीं रहता है। तपस्या के और भी अनेक प्रकार हैं। ध्यान करना भी तपस्या है, स्वाध्याय करना भी तपस्या है, 12 प्रकार तपस्या के हैं। तो अनेक प्रकारों से तपस्या हो सकती है और कर्म निर्जरा की जा सकती है। तपस्या करने वाले वैसे तो साधुवाद के पात्र हैं, जो लंबी लंबी तपस्या करते हैं, आहार भी नहीं करते, साथ में और काम भी अपना करते रहते हैं, वर्षी तप भी चल रहा है, साथ में विहार यात्रा कार्य भी चलता है, तो वर्षी तप या और ऊंची तपस्या करने वाले अनुमोदना के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। सारी तपस्या का एक सार यह आना चाहिए कि कषाय मुक्ति हो जाए, राग द्वेष आदमी के पतले पड़ जाएं, आत्मा शांत उपशम से युक्त हो जाए। यह बहुत बड़ी निष्पत्ति है कि तपस्या से हमारे कषाय कमजोर पड़े, कोह, गुस्सा, मान, माया, लोभ ये पतले पड़ जाएं, यह
तपस्या कोई ज़्यादा भूखा रहकर नहीं भी कर सके, पर कसाईयों को कम कर दिया, क्षीण कर दिया, तो भले तपस्या लंबी न कर सकें, हमें बहुत बड़ी चीज़ मिल जाती है अगर कसाईयों को हम कृष कर देते हैं। चेला तपस्या में रुचि रखता था, उपवास बेला केला चोला लंबी तपस्या कर लेता। एक बार उसने लंबी तपस्या का मन बनाया और गुरु के पास आकर तपस्या का प्रत्याख्यान करता कि आज उपवास पचकाओ, फिर कह बेला पचकाओ, केला पचकाओ, चोला पचकाओ, पंचोला पचकाओ, क्यों एक एक दिन पचकता जा रहा था। गुरुजी गुरुदेव तपस्या पचकाते, साथ में कहते पतली पाड़, पतली पाड़, पतली पाड़। तो चेले ने सोचा गुरुदेव क्या रटन लगा रहे हैं, रोज पतली पाड़, पतली पाड़, तपस्या पचकने जाता हूँ, पतली पाड़, पतली पाड़। एक दिन वह गया तपस्या पचकने के लिए, तो गुरुदेव ने फरमा दिया तपस्या तो पचका दी होगी, साथ में कहा पतली पाड़, पतली पाड़। चेले को थोड़ा गुस्सा आ गया कि गुरुजी ने क्या एक वाक्य पकड़ लिया छोटा सा, पतली पाड़, पतली पाड़। तो गुस्से में आ गया, अपनी चुटली अंगुली को यूं मरोड़ा, अंगुली टूट गई, इतना तो पतला कर दिया शरीर को, और क्या पतला, अंगुली टूट गई मेरी, इतनी पतली हो गई है और क्या पतला करना है, बार बार आप कहते हो पतली पाड़, पतली पाड़, मेरी अंगुली कितनी पतली हो गई है, टूट गई है, ऐसा करते ही। तो गुरुदेव ने कहा अंगुली को पतला करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, यह तुम्हारा जो आवेश है, कसाई है, इस कसाई को पतली करो, कसाई को पतला करो, तो तुम अच्छी सफलता को प्राप्त हो सकेगी, हो सकोगी। तो यह तपस्या करना बहुत अच्छा है, साधुवाद की बात है, धन्यवाद की बात है, और तपस्या की निष्पत्ति, सारी साधना की निष्पत्ति यह आए कि हमारे कसाय कम हो जाएं, गुस्सा पतला पड़ जाए, अहंकार नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, राग द्वेष कम हो जाएं, बस यह स्थिति, समता की स्थिति हमें प्राप्त हो, इसका अपने आप में बड़ा महत्व है। कोई उपवास आदि ज़्यादा यानी लंबी तपस्या नहीं भी कर सके, अपना स्वाध्याय करे, स्वाध्याय भी तपस्या है, उससे भी भावात्मक शुद्धि हो सकती है, ध्यान करें और आध्यात्मिक सेवा करें किसी की, ये सारे तपस्या के ही प्रकार हैं, और इनसे भी आत्मा की शुद्धि हो सकती है। परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु जो 13 पंथ हमारे धर्म संघ के आदि आचार्य थे, 24 तीर्थंकरों में तो आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ हैं, 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर, आदि तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु भगवान ऋषभ हैं, और हमारे धर्म संघ की आचार्य परंपरा में आदि आचार्य परम पूजनीय भिक्षु स्वामी हैं, और उनका अपना साहित्य है, अपनी उनकी वाणी, साहित्य, ज्ञान, तो हमारे आदि भूत आदि आचार्य परम श्रद्धेय भिक्षु स्वामी हैं, उनकी भी अपनी तपस्या साधना अवरोध विरोध जो भी, उनको सहन करना भी तपस्या है, साधना है। परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी जिन्होंने अपने ढंग से मानो तपस्या की, साधना की, हालांकि वो 28 मास खमन वो तो संभवतः नहीं किए होंगे, केला तो जरूर किया था, वो तपस्या भले लंबी न की हो, तो उनकी अपने ढंग की एक साधना तपस्या हो सकती है। यह महाराष्ट्र का क्षेत्र है, हमारे धर्म संघ में 8 आचार्यों तक कोई भी आचार्य श्री महाराष्ट्र में नहीं पधारे थे। सबसे पहले महाराष्ट्र में पधारने वाले आचार्यों में हमारे धर्म संघ में गुरुदेव तुलसी थे, वे सबसे पहले महाराष्ट्र में पधारे थे।
मुंबई में चतुर्मास भी किया, प्रवास हुआ, मर्यादा महोत्सव हुआ, और भी महाराष्ट्र में भ्रमण किया, और औरंगाबाद में भी सबसे पहले पधारने वाले आचार्य श्री तुलसी थे। तो औरंगाबाद का क्षेत्र जो गुरुदेव तुलसी के द्वारा मानो एक स्पृष्ट क्षेत्र है, आगम संपादन का मानो एक घोषणा या संकल्प का क्षेत्र है, तो आगम संपादन के साथ औरंगाबाद का मानो इतिहास जुड़ा हुआ है। इस महाराष्ट्र के क्षेत्र में गुरुदेव तुलसी ने जो आगम संपादन का मानो चिंतन किया, कल्पना की और निर्णय हुआ, और यह औरंगाबाद में महावीर जयंती और आगम संपादन की घोषणा आज से 69 वर्ष पहले 69 वर्ष पहले लगभग गुरुदेव तुलसी ने जो आगम संपादन का बीड़ा उठाया था, काम हाथ में लिया था, आज 69 वर्षों तक भी वो आगम का काम अभी भी चालू है, अभी भी पूरा नहीं हुआ। काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी हुआ है, पर निशेष नहीं हुआ है, पूर्णतया संपन्न नहीं हुआ है। तो औरंगाबाद पुनः है, पर आगम संपादन का काम भी हमारा वैसे वर्धमान है, गतिमान है, काफ़ी हुआ है। तो यह औरंगाबाद का क्षेत्र आगम संपादन के इतिहास के साथ मानो औरंगाबाद का नाम भी, या वर्तमान में छत्रपति संभाजी नगर कह दें भले, इसका नाम जुड़ा हुआ है। तो अभी हम अक्षय तृतीया के संदर्भ के साथ हमारा इधर आना हुआ है, और यह अक्षय तृतीया का दिन जो आजकल एक बड़ा एक मानो समारोह का सा दिन बन गया है, कितने कितने तपस्वियों का वर्षी तप संपन्न होता है, और कितने लोग एक जगह इकट्ठा होकर के अपने वर्षी तप की मानो सुसंपन्नता करते हैं। तो यह तपस्या का क्रम जीवन में विभिन्न रूपों में चलता रहे, इससे हम कर्म निर्जरा का लाभ उठा सकते हैं। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे है श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके,
श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवध्यायानम, नमो लोए सब्बसाहूनम, एसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलानं च सब्बेसिं पढ़मं हवई मंगलम, चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठं अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामनो च इत्ता भारहं वासं चक्कवट्टी महिद्धिओ संति संति करेलोए पत्तो गईमनुत्तरं देव दानव गंधव्वा जख रखस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तं। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूल भद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम्। मंगलम् मतिमान भिक्षुः मंगलम् भारमल्लकः मंगलम् रायचंद्राद्या मंगलम् तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम्। तेरा पंथोस्तु मंगलम्। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।